अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आर दिस ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग, ये मैंने अपनी बहन से चोरी किया था। शी वॉज वेयरिंग लास्ट टाइम जब वो हमारे घर आई थी, और मैंने उससे साथ ही उतरवा दिया था कि नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस एंड आई एम लविंग दिस वन। इसका कलर और हर चीज़ मुझे बहुत सूट किया हुआ है। आई एम गोइंग आउट, थोड़ा सा मेरी फ्रेंड की वेडिंग है, मैंने कुछ डिज़ाइनर्स को विजिट करना था, अपने ड्रेसेस देखने थे, तो चलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा और मेरी नीयत बहुत ख़राब हो रही थी। आई फील लाइक कि मुझे नहीं जाना चाहिए, बट स्टिल आई हैव टू गो क्योंकि मुझे वेडिंग अटेंड करनी है। तो जितना हो सका मैं कैप्चर करके आप लोगों को ड्रेसेस ज़रूर दिखाऊंगी, और मेरे साथ रहिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अल्लाह का वास्ता है, चैनल सब्सक्राइब कर दें और डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे चैनल की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आई रियली लव दिस आउटफिट। इसके ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग थी और ये डार्क पिंक कलर की फ्रॉक थी, और जैसे गुलाबी पिंक कलर नहीं होता, और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी। इट वॉज लुकिंग सो नाइस और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। अच्छा, तो मैंने वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है जिसकी वजह से अब मुझे स्मॉल साइज ड्रेसेस पूरे आ जाते हैं, एंड दिस ड्रेस वॉज लुकिंग सो नाइस। तो अभी मैं सेकेंड ड्रेस पहन के देखती हूँ। आई डोंट नो, वहाँ पे लाइट्स थोड़ी सी डिम थी जिसकी वजह से कलर्स इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे हैं, बट इट वॉज इन पिंक कलर टू। और ये भी एक फ्रॉक थी और इसकी नेक लाइन पे कोरा दबका एम्ब्रॉयडरी थी। ये सारा अहमद ब्रांड है और इनके ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, बहुत लाइट वेट फैब्रिक था और बहुत फ्लोई वाले फ्रॉक्स थे, बहुत अच्छे थे, जिनको हील्स के साथ आप बहुत अच्छा कैरी कर सकते हो। एंड इट वॉज लुकिंग नाइस टू, और इसके अंदर भी आपके बहुत स्मार्ट लुक आ रही थी। ड्रेस वो लेना चाहिए जिसके अंदर आपकी स्मार्ट स्लिम लुक आए, ना कि आपकी बल्कि लुक आए। अच्छा, ये किसी और ब्रांड का मैंने ट्राई किया था ड्रेस, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट इसके अंदर आई वॉज लुकिंग बिट बल्कि। तो ये क्यास मल्टी ब्रांड स्टोर है जिसके अंदर अंडर वन रूफ काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, आप जाके वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। देन मैंने एक और ड्रेस देखा था, दैट वॉज़ इन आइस ब्लू कलर, ये भी सारा अहमद का ही ड्रेस था। इसका भी बहुत अच्छा एक फ्लोई सा फ्रॉक था, और आइस ब्लू कलर इज़ माय मोस्ट फेवरेट नावर डेज। मैंने उसमें बैग भी परचेज किया है, जूता भी परचेज किया है, तो आइस ब्लू कलर इज़ ऑलवेज गेटिंग माय अटेंशन दीज डेज। मेरा ये गो टू कलर है। इसके अंदर आपका कलर कॉम्प्लेक्शन भी वाज लुकिंग नाइस एंड गुड। अब ये मैंने आपको उसका सारा आउटफिट दिखा दिया है ताकि अगर आपने फॉर इंस्टेंस जाना है और वहाँ पर ड्रेसेस देखने हैं तो आपको आइडिया हो वहाँ पर ड्रेसेस कैसे होते हैं। सो या गाइस, दिस इज द सेकंड ड्रेस और इट्स इन आइस ब्लू कलर। Then I went to Zinia Couture to try some other dresses, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मेरी बस ये कुछ ड्रेसेस ही ट्राई करके, मैंने 5-6 ड्रेसेस ट्राई किए थे और मेरी बात हो गई थी, और ये एक ड्रेस था। इस ड्रेस ने मेरी अटेंशन ज़रूर ली थी, और दिस ड्रेस वॉज सो गुड। इट वॉज़ इन रॉयल ब्लू कलर और ऊपर मल्टी कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। और एक ड्रेस मैंने ये सिलेक्ट किया था, बाकी ड्रेस नहीं दिखाऊंगी कौन सा, फिर एक वो चीज़ लुक रिवील हो जाती है, बट आई एम गोइंग टू वेयर दिस ड्रेस एंड इट वाज लुकिंग सो गुड। तो जब जैसे ही मैं इसकी लुक क्रिएट करूंगी आई विल शो यू गाइस के ये कैसा लगता है, बट इट वाज लुकिंग नाइस। तो ये इसका फ्लोही सी फ्रॉक थी और इसके नीचे जैसे क्यूलॉट टाइप नहीं होते हैं, वो भी टाई एंड डाई शेड में थे एंड इट वॉज लुकिंग सो नाइस, और मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो ये ज़ीनिया कुटियोर की एंट्रेंस थी। एंट्रेंस पे इनके कुछ रैक्स थे, कुछ ड्रेसेस थे, यहाँ पे ब्राइडल वेयर भी होते हैं और पार्टी वेयर भी होते हैं। इट्स वन ऑफ माय क्लाइंट्स टू, तो इनकी कलेक्शन अच्छी होती है, और इन केस ऑफ एमरजेंसी इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। तो ये इनके ब्राइडल वेयर कुछ ड्रेसेस हैं, बाकी इनकी कलेक्शन ऊपर थी जो मैं आई वॉज इन हरी, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में कोई वीडियो नहीं बना सकी, बट डू विजिट गाइस, इट्स अ नाइस स्टोर।